नमस्कार, मैं प्रदीप निराला और आप देख रहे हैं तहलका हरियाणा। जैसे कि आपको पता है, पूरे देश भर में किसान आंदोलन अपने पूरे चरम सीमा के ऊपर है। आज भी उन्होंने भारत बंद का चक्का जाम का ऐलान किया था और वो लगभग उस काम में सफल भी रहे हैं। तो इसी किसान आंदोलन को लेकर जो सरकार ने जो 3 कृषि बिल जो कानून बनाए हैं उनको वापिस लेने के लिए किसान नेता जो है, किसान संगठन जो है, पूरा अपने प्रदर्शन करने में लगे हुए लगातार। तो उसी कड़ी को मैं सोहना में भी अब जो किसान नेता हैं वो सामने आ रहे हैं और आज उन्होंने एक प्रेस वार्ता करके ये फैसला लिया है, जानकारी दी है क्षेत्र के लोगों को कि आने वाले जो 10 तारीख है 10 फरवरी को सुबह 10 बजे सोहना अनाज मंडी में एक किसानों की महापंचायत का उन्होंने ऐलान किया है, जिसमें सतबीर पहलवान जो है और देव सिंह और सुधीर शर्मा, इन्होंने संयुक्त रूप से जानकारी देते हुए हमें बताया कि इस महापंचायत में सोहना में जो महापंचायत इन्होंने बुलाई, इसमें आसपास के हजारों की संख्या में किसानों के पहुंचने की उम्मीद है। तो देखते हैं आगे क्या होता है। तो इस प्रेस वार्ता को हमारे पत्रकार अशोक गर्ग ने वहां पे कवर किया। तो आइए देखते हैं, सतबीर पहलवान चौधरी, देव सिंह पवार और सुधीर शर्मा ने आज प्रेस वार्ता में क्या कहा। नेताजी, किस चीज के लिए मीटिंग करी गई हो, क्या क्या जो आगामी प्रोग्राम है? आगामी प्रोग्राम हमारे सोहना के आसपास के सभी गांवों के किसान जो सरकार ने 3 जो काले कानून बनाए हैं इनके विरोध में आज पूरे देश का किसान उस कानून को रद्द करने की मांग कर रहा है और सरकार अपनी मूछ का सवाल बनाकर उस कानून को रद्द नहीं कर रही है, उसके विरोध में हमारे सोहना के आसपास के किसान भी आने वाली 10 तारीख को बुधवार को सोहना की अनाज मंडी में एक पंचायत करने जा रहे हैं, जिसमें सभी किसान भाई इससे जो हमारे किसान भाई बोर्डरों पे बैठे हुए हैं अपनी मांगे मांग रहे हैं, किसान यूनियनों के जो लीडर हैं, किसान संयुक्त मोर्चा जो बनाया हुआ है उसके माध्यम से हमारी भी उन किसानों के समर्थन देने के लिए हमने भी एक पंचायत बुलाई है जो आगामी 10 तारीख को सोहना में होने जा रही है। और इसीलिए हम अपनी तरफ से हमारे सभी साथी भाई देवी सिंह जी, शर्मा जी, हम सारे साथी बैठे हैं। हमने सबको किसान भाइयों से अपील की है कि आप ज्यादा से ज्यादा संख्या में सोहना की अनाज मंडी में आए, जिससे कि हम अपने किसानों का समर्थन कर सकें, इसलिए पंचायत बुलाई। और उसी में आगे आगे के जो आंदोलन की जो रणनीति है उसी में क्या जो पंचायत हो रही है उसमें केवल कृषि भारत सरकार ने जो काले कानून लागू किए और भारत पूरे देश के अंदर जो आंदोलन चल रहा है उसी के कानून वापस दिए जाए, एमएसपी की गारंटी दी जाए, इन्हीं सब बातों पर अभी सतबीर पहलवान जी ने जो बताया है कि उसी के ऊपर हमने सोहना के आसपास के इलाके की पंचायत बुलाई है और उसी पंचायत में जो भी आंदोलन की आगे की रणनीति होगी वो तय की जाएगी। शर्मा जी, आज जो 2.5 महीने बाद आप यहाँ पर पंचायत कर रहे हो, इस दिन तुम्हारे 2.5 महीने कहाँ रुके थे आप? नहीं, हम जगह जगह पर इसके प्रदर्शन चल रहे हैं, गुड़गांव डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पर प्रदर्शन चल रहा है किसान मोर्चा का, हम वहाँ भी जाते रहे हैं, शाहजहाँपुर बॉर्डर पे भी जाते रहे हैं, पलवल में भी आंदोलन चल रहा है, धीरे धीरे आंदोलन सभी जगह फैल रहा है, लोग जा रहे हैं। जब आप यहाँ के रहने वाले हो तो आपको सबसे पहले सोहना में मुद्दा उठाना चाहिए, जो 2.5 महीने बाद आप सोच रहे हो इस बात को। सोहना में अपने अपने स्तर पर हम उठा रहे थे, परंतु अभी पंचायत स्तर पर जो है अभी हमारी कमेटी बनी है, जो देवी सिंह जी, सतबीर पहलवान जी सबके नेतृत्व में हमने बात करी है, आगे इस आंदोलन को बढ़ाएंगे। सोहना के आसपास काफी असर है, ऐसा हम नहीं कह सकते भाई सोहना में असर नहीं है, क्योंकि आज से पहले जो आप कह रहे हैं 2.5 महीने तक सोहना के कहा थे हमारे सोहना के लोग, या तो हिस्सेदारी पलवल में कर रहे थे या गुड़गांव में कर रहे थे। अब हम चाहते हैं कि ब्लॉक पे या खंड लेवल पे हमारा यहाँ पर एक किसान मोर्चा बने और उसके लिए हमने महापंचायत बुलाई है 10 तारीख को। अगर आपको हमारी ये जानकारी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और इस न्यूज को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि ये हर व्यक्ति तक ये हमारी जानकारी पहुंच सके। धन्यवाद।